रोहित को तारावती ने एक छवरिया दी और कहा, बेटा बगिया के लिए जल्दी जा और फूल तोड़कर जल्दी आना। रोहित चला है। इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, सर्प का रूप धारण किया, एक फूल में विराजमान हो गए। जब फूल में विराजमान हुए हैं, बेटे रोहित ने अपने हाथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, विश्वामित्र ने उंगली में काट लिया, रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रोने लगा, तेरे तुम तो पूजा के